अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में जहां देव नाट्य कुश्ती प्रतियोगिता व दूसरी खेलकूद प्रतियोगिता में आए दर्शकों ने आकर्षण का केंद्र रही, वहीं स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मनोरंजन किया। स्कूली बच्चों की भाषण प्रतियोगिता का मेला समिति द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी लाल सिंह ठाकुर ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए और प्रतियोगिता में शिक्षा विभाग को कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए मंच प्रदान करने के लिए मिलन समिति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महोत्सव के दौरान बच्चों को जो मंच मिलता है, यह उनके लिए अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करने का सबसे बड़ा मंच होता है, जिससे निकल कर ये बच्चे आगे चलकर बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई भाषण प्रतियोगिता में दर्शकों की खासी भीड़ दर्ज की गई। आज हमारे इस प्रोग्राम के जो शिवरात्रि फेयर में भाषण प्रतियोगिता का जो आज हमारा कंसेप्ट है, इसमें हमारे चीफ गेस्ट श्री मोहन लाल डिप्टी डायरेक्टर इंस्पेक्शन थे, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण वो कई मीटिंग में जाने के लिए यहाँ से चले गए हैं। हमारा जो यहाँ पे आज का जो प्रोग्राम है, जिसमें नर्सरी केजी का और फर्स्ट टू फिफ्थ का तथा सिक्स टू एट के बच्चों का जो है ये रखा गया है, जिसमें भाषण के तौर पे विभिन्न पाठशालाओं ने जो भाग लिया है। और इसके बाद हमारा समूह गान का प्रोग्राम रहेगा, जो कि इन्हीं पाठशालाओं से संबंधित बच्चों के द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ हम बहुत ही आभारी हैं जिलाधीश महोदय के, जिन्होंने हमें हमारे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमें ये जो मंच अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के ऊपर हमें सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मुहैया करवाया है, इसके लिए हम बहुत ही बहुत धन्यवादी हैं। हमारे यहाँ पे जो नन्हे बच्चों का जो प्रोग्राम रखा गया है, ये बच्चों के लिए बहुत ही अपने लिए एक बहुत उत्साह की बात रहती है, जिसमें कि इन्हें इतने हमारे अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर जो अपना प्रोग्राम प्रदर्शित करने का मौका मिलता है, और ये इनमें एक अपनी बहुत बड़ी बात है। तो जिसमें बच्चे जो अपने ये प्रोग्राम को तैयार किया तो उसको बड़े उत्साह से, बड़े हौसला अफजाई से यहाँ मंच से अपना प्रदर्शन करते हैं, जिसके लिए हम बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।